यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में तालिबान पर प्रस्ताव पास। भारत की अध्यक्षता में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने प्रस्ताव पास किया। प्रस्ताव के पक्ष में 13 देशों ने वोट किया। आतंकवादियों को शरण नहीं देने की शर्त रखी। वीटो पावर, रूस और चीन ने एब्सटेन किया, दूरी बनाई। ये क्यों हुआ वेद प्रताप वैदिक सर? चीन और रूस ने एब्सटेन क्यों किया? ये इसलिए, इसका पहला कारण तो ये कि ये प्रस्ताव किसने रखा था। ये प्रस्ताव अगर भारत ने रखा होता या इस प्रस्ताव में और सभी देशों की प्राथमिकता होती तो मैं समझता हूँ कि इस पर सर्वानुमति हो जाती। लेकिन ये प्रस्ताव रखा अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने, इसलिए इस समय दो गुट बन गए हैं। एक तरह का मौन शीत युद्ध चल रहा है कि चीन, पाकिस्तान और रूस और तुर्की भी उनसे मिला हुआ है, वो सब एक तरफ हैं और दूसरे सारे राष्ट्र दूसरी तरफ हैं। इसीलिए आप देखें कि प्रस्ताव इतना अच्छा था कि उसका विरोध नहीं किया है चीन ने और रूस ने, सिर्फ एब्सटेन किया है, उससे अलग हो गए हैं। इसका मतलब ये है कि उसको न अच्छा कह रहे हैं न बुरा कह रहे हैं। वो प्रस्ताव ऐसा है कि जिसमें रचनात्मकता है। ये इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं सर। क्या यहाँ पर एक खेमे के तौर पर भी दुनिया को देखा जाने लगा? अचल मल्होत्रा सर के पास चलता हूँ, और हिंदुस्तान को उस खेमे में उसको कहाँ परसीव किया जा रहा है, नंबर एक। नंबर दो ये कि कल ये खबर आम होने के बाद कि हिंदुस्तान और तालिबान के बीच में बातचीत हुई है, क्या चीन और पाकिस्तान ने अपनी अपनी स्ट्रैटेजीज में कुछ चेंजेस लाना जरूरी समझा है क्या? अचल सर, देखिए गौतम, आपने दो महत्वपूर्ण सवाल उठाए हैं। जहां तक खेमे में बटने की बात है, वो तो बिल्कुल जाहिर है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल कोई सुपर ह्यूमन बॉडी तो है नहीं। उसमें यही ग्लोबल प्लेयर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं डिसीशंस को, और जो डिवाइडेड इस वक्त जो वर्ल्ड कम्युनिटी डिवाइडेड है तालिबान को लेके, उसकी ही रिफ्लेक्शन जो है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन में दिखाई दे रही है। हालांकि रशिया ने जो एक पॉइंट दिया था, मैं उसे एंडोर्स करता हूँ, होल हार्टेडली एंडोर्स करता हूँ। रशिया का ये कहना है कि अमेरिकन ने इस समय टेररिस्ट को दो गुटों में बांट दिया है। पहले गुड टेररिस्ट और बैड टेररिस्ट की बात होती थी, अब आवर टेररिस्ट एंड योर टेररिस्ट की कैटेगरी भी आ गई है कि ये टेररिस्ट तो हमारे हितों को हिट करते हैं और ये टेररिस्ट आपके हितों को हिट करते हैं, इनको आप संभालिए, इनको हम संभालेंगे। जबकि भारत का ये कहना है कि आतंकवाद एक ग्लोबल फिनोमेना है, इसके लिए सबको मिलजुल के कंसर्टेड एफर्ट करनी चाहिए। कोई गुड बैड नहीं होता, गुड बैड कोलेस्ट्रॉल हो सकता है, गुड बैड ये टेररिस्ट नहीं होते हैं। और दूसरी बात ये कि ये जो अब तो आपके टेररिस्ट आप संभालिए, इसका मतलब हमारे टेररिस्ट तो वहां अफगानिस्तान में जैश ए मोहम्मद है और वो लश्करे तैयबा है। ठीक है सर, दूसरी बात का भी जवाब जल्दी से दे देते हैं अचल सर। क्या पाकिस्तान और चीन ने अपनी स्ट्रेटजी बदली है क्या? इसीलिए वो कह रहे हैं आइसोलेशन में कोई डिसीजन नहीं लेंगे और चीन ने एब्सटेन किया? ये बिल्कुल, देखिए जो स्ट्रेटजिक स्पेस जिसके ऊपर चाइना और पाकिस्तान ने सोचा है कि उनका ऑटोमेटिक अधिकार बनने वाला है, ठीक है, अगर उसमें जरा सा भी अंदेशा आएगा कि भारत को जगह बनाने वाला है तो जाहिर है वहां हलचल होगी। हलचल हुई है, ये नजर आया दुनिया को। अचल सर मैं आपके पास आता हूँ। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।